हाँ तो भाई लोग, आप भी YouTube चैनल बनाना चाहते हो और YouTube पर वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे प्रोफेशनल तरीके से YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हो और वीडियो अपलोड कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ मिस्टेकों को कारण ही आपका चैनल बनकर भी YouTube की तरफ से आपके चैनल को बूस्ट नहीं मिलता और आपका चैनल ग्रो नहीं होता। YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना YouTube को ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपना YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो और वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफेशनल जीमेल बनाना होगा। कुछ लोग तो जीमेल बनाते वक्त ही कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता। जीमेल बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल पर आकर अपने लोगो पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एड अकाउंट पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोग कुछ गलतियां कर देते हो जिसका आपको भी पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखना और समझना कि किस तरह से जीमेल बनाया जाता है YouTube चैनल के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके फॉर माय सेल्फ उसी पर अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको अपना नया सरनेम डालने को कहेंगे। कुछ लोग तो दोस्तों यहीं पर गलती कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने YouTube चैनल का नाम डालना है, ना ही कि अपना नेम डालना है। नेम से आप लोग अपना YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो चलो दोस्तों मैं अपना YouTube चैनल का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आएगा। आप लोग आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दोगे, मैं भी डाल देता हूँ। बाद में अपना जेंडर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि अभी अभी आपने बनाई है। या फिर आप लोग अपनी जीमेल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी पहली वाली जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि न्यू जीमेल का होगा और नया पासवर्ड डालना है। पासवर्ड को कहीं पर नोट करके रख लेना, आप लोग बाद में पासवर्ड भूल जाओ तो आपको काम आए। पासवर्ड डाल के आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। नीचे जाकर आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना जीमेल दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे आपको ऐसे पेज पर आकर नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ी देर वेट करोगे तो आपका जीमेल अकाउंट प्रोफेशनल तरीके से बन जाएगा। और अब दोस्तों आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नेम और हैंडल सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्रिएट चैनल पर क्लिक करोगे तो आप लोग को अपना नया यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग को ऑन कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने चैनल का लोगो सेट कर लेना है। अपने हिसाब से अपना चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो साइड में कैमरे का आइकॉन दिखाई दे रहा है उसकी मदद से आप लोग अपना चैनल का बैनर भी लगा सकते हो। इतना करने के बाद आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अभी कुछ सेटिंग करनी है, जिसकी वजह से आपका चैनल सर्च में आएगा और चैनल बहुत तेजी से ग्रो होगा। उसके लिए दोस्तों आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है और आपको अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लेना है। आप लोग अपना चैनल को डेस्कटॉप साइज में ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। डेस्कटॉप साइज को ओपन करना नहीं आता तो यहाँ पर आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको डेस्कटॉप साइज लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा। पर क्लिक कर दोगे तो आपका चैनल डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने चैनल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और योर चैनल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आप लोग कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर चले जाना। फिर क्रोम में आपका व्हाइट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आए तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि दो उंगलियों से जूम करेंगे तो आसानी से दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको चैनल वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको फीचर एलिजिबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको दूसरे नंबर पर अपना मोबाइल नंबर, यहीं पर दूसरे नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेना है। ये करने के बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर 15 मिनट से ज्यादा के लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो और उस पर अपना थंबनेल भी ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन पर आ जाना है और आपको अपनी चैनल का कीवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको अपने चैनल का कीवर्ड डाल देना है। उसी के साथ आपको अपने कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर के नेम भी डाल देना है और आप लोग जिस टाइप के वीडियो बनाते हैं उसके भी कीवर्ड डाल देना है, ताकि जब भी कोई यूट्यूब चैनल पर आपकी टॉपिक से कुछ भी सर्च करे तो आपका चैनल के वीडियो उनके सामने आ जाए। और इस तरह से आप लोग अपने सर्च सेटिंग ऑन करने के बाद आप लोग सर्च से भी व्यू ले सकते हो। बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपका YouTube चैनल क्रिएट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कुछ और नए वीडियो में।